शंघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में जारी है। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जयशंकर ने अगुवाई की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जयशंकर को नमस्ते किया, लेकिन पाक की विपक्षी पार्टियों को यह यात्रा रास नहीं आई। पाक की विपक्षी पार्टियों ने कहा, बिलावल का जाना जले पर नमक की तरह है, पाकिस्तान की विदेश नीति मर गई है। तहरीके इंसाफ पीटीआई ने बिलावल भुट्टो को घेरा। नमस्कार, में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। एक दशक के बाद यह पाकिस्तान की ओर से की गई सबसे बड़ी यात्रा है, लेकिन पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों को यह यात्रा जले पर नमक की तरह है। इसी को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला है और कहा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति मर गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के शहर गोवा में एससीओ की बैठक हो रही है, तो उधर पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर आग लग गई है और ये आग लगाई है इमरान खान की पार्टी ने। जी हां, खबरों की माने तो पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि मैं विदेश मंत्री की गोवा यात्रा की कड़ी निंदा करता हूं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी, लेकिन समस्या यह है कि आप लोग मोदी के प्यार में हैं और इसलिए कश्मीरियों को कष्ट देने और मोदी की जनता को खुश करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की विदेश नीति मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक नेता का बयान है। इसका समर्थन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने किया है। पीटीआई ने फवाद चौधरी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, बिल्कुल सही, बिलावल जरदारी की भारत यात्रा स्पष्ट रूप से इस बात को परिभाषित कर रही है कि पाकिस्तान की विदेश नीति अस्तित्वहीन है। यह बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी ने भी एक ट्वीट कर बिलावल की यात्रा की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आयातित विदेश मंत्री इजराइल और भारत पर अमेरिका को खुश करने के लिए बाजवा प्लान के प्रति अपनी वफादारी दिखाने को बेताब हैं और गोवा पहुंचे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को इस यात्रा से कोई एतराज नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का सदस्य है और यह बहुपक्षीय निकाय है, हमें इस मंच का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए करना चाहिए। यहां पर जानकारी देते चले कि गोवा में हो रही एससीओ की बैठक में भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई बातचीत का एजेंडा तय नहीं है। बाकी देशों के साथ भारत द्विपक्षीय वार्ता करने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है। खबरों की माने तो इधर गोवा में भी रस्सा कशी जारी है और स्टेज पर ना ही दिल मिले और ना ही हाथ मिले। जयशंकर ने बिलावल का स्वागत तो किया, लेकिन हाथ जोड़कर फिर रास्ता दिखा दिया। इस वीडियो को देखकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अभी भारत पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। वहीं इशारों ही इशारों में भारत को बिलावल ने खरी खोटी भी कश्मीर के लिए सुना दी, तो भारत ने भी बिलावल के होश ठिकाने लगा दिए और कहा कि आतंकवाद बंद करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं और क्यों ना पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार है और ना ही भारत। इसके साथ ही पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और ऊपर से भारत को कश्मीर पर धमकी दे रहा है। इससे आप क्या कह सकते हैं।